हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल। ये ट्रिपल इंटीग्रल की पार्ट फर्स्ट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी, इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, डी एक्स डी वाई डी जेड। इसके हमने ट्रिपल इंटीग्रल मतलब तीन बार हमें इंटीग्रेशन दिया है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल कह रहे हैं। इसे मैंने इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जो पहली वाली लिमिट दी होती है वो एक्स के रिस्पेक्ट में दी होती है, जो सेकंड लिमिट होती है वो वाई के रिस्पेक्ट में होती है, जो तीसरी लिमिट होती है वो किस रिस्पेक्ट में होती है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स की लिमिट ये वाली है, डी वाई की लिमिट ये वाली है और डी जेड की लिमिट ये वाली है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, कौन सा, डी जेड वाला। और डी जेड के लिए हमारे पास लिमिट कौन सी है, माइनस सी टू सी। चलिए हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। उसके बाद हम सबसे पहले सी के रिस्पेक्ट में करें, इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। यहाँ पे क्या आएगा, डी जेड आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई। और जब हम इसे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब हम इस बीच वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्केयर जेड प्लस वाई स्केयर जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन में थ्री। ये मैंने क्या किया, बस सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन ही की है। लिमिट माइनस सी टू सी थी और ये क्या था, डी एक्स डी वाई। तो अब इसे आगे हम लिमिट्स पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। सबसे पहले यहाँ पे मैं जेड की जगह क्या रखना है, सी लिखना है। तो ये क्या बना, एक्स स्केयर सी प्लस वाई स्केयर सी प्लस सी क्यूब अपॉन में थ्री। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस ये, अब मैंने ये माइनस ही रखना है जेड की जगह। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ब्रैकेट शुरू, ये बना मेरे पास माइनस सी एक्स स्केयर, माइनस एक्स स्केयर सी लिखते हैं इसे हम, माइनस एक्स स्केयर सी माइनस वाई स्केयर सी। और ये बनता है ये माइनस सी क्यूब अपॉन में थ्री। नीचे लिख लेते हैं हम इसे, यहाँ पे जगह खत्म हो चुकी है, माइनस सी क्यूब अपॉन में थ्री। ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद, ये लास्ट में क्या होता है, डी एक्स और डी वाई। ये बड़ी वाली बैटरी बंद। अब हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे और इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो चलो करते हैं सिंप्लीफाई। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी, ये बना एक्स स्केयर सी प्लस वाई स्केयर सी प्लस सी क्यूब अपॉन में थ्री प्लस एक्स स्केयर सी प्लस वाई स्केयर सी प्लस सी क्यूब अपॉन में थ्री। ब्रैकेट बंद, डी एक्स डी वाई। ये बार माइनस का साइन था, अंदर वाले सारे क्या हो गए, प्लस में चले गए। ये एक्स स्केयर सी और एक्स स्केयर सी दोनों क्या बन जाएगा, टू एक्स स्केयर सी, और ये बनेगा टू वाई स्केयर सी। तो मैं इनमें से टू सी कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखने वाला हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। ये मेरा टू सी इसमें इसमें और इसमें से इसमें, मेरा टू सी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या बची, सी क्यूब अपॉन में थ्री प्लस सी क्यूब अपॉन में थ्री, वो क्या बन जाएगा, टू सी क्यूब अपॉन में थ्री। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स डी वाई। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, लिमिट्स कौन सी होगी, माइनस बी टू बी। अब इसे नेक्स्ट टाइम में ऊपर लिखने वाला हूँ मैं, ये मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी, टू सी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू सी क्यूब अपॉन में थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, इस टू सी को बाहर ले जाता हूँ इंटीग्रेशन से, इज इक्वल टू टू सी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी। ब्रैकेट शुरू, टू सी बाहर चला गया, अंदर बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। प्लस में मेरे पास क्या बचा, यहाँ से टू सी बाहर चला गया, तो सी स्केयर अपॉन में थ्री। प्लस में क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पे सी स्केयर अपॉन में थ्री। ब्रैकेट बंद, डी एक्स डी वाई। अब मुझे इसे वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं, मैंने एक स्टेप यहाँ पे बचा लिया, इसलिए मुझे नीचे लिखना पड़ना था। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगी, यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डी एक्स, और ये सारा किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन हम वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो ये मेरे पास क्या बनता है, इज इक्वल टू टू सी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। अंतर मेरे पास क्या बना, इसे मैंने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसका। तो ये बना एक्स स्केयर वाई प्लस, इसका क्या बना, वाई क्यूब अपॉन में थ्री प्लस सी स्केयर अपॉन में थ्री वाई। लिमिट माइनस बी टू बी तक है, और लास्ट में इंटीग्रेशन सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बचता है, डी एक्स रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, इज इक्वल टू टू सी इंटू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। सबसे पहले यहाँ पे बी भरना है वाई की जगह, एक्स स्केयर बी
प्लस बी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन में 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब अपॉन में 3 और ये क्या बनेगा माइनस सी स्क्वायर बी अपॉन में माइनस सी स्क्वायर बी अपॉन में 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद और सारे के इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करूँगा, इस माइनस को खोलूंगा तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इज इक्वल टू 2c इंटू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर बी, और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर बी, तो क्या बना 2x स्क्वायर बी, बी क्यूब अपॉन में 3 प्लस बी क्यूब अपॉन में 3, ये क्या बना 2b क्यूब अपॉन में 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये बनता है प्लस 2c स्क्वायर बी अपॉन में 3। ठीक है, इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे हम। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2b बार कॉमन आ रहा है मेरा, इस सारे में से 2b कॉमन आ रहा है तो वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर क्या बनता है 4bc 4bc, 2c पहले से पढ़ा था, 2b और आ गया तो ये बना 4bc। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, अंदर क्या बचता है 2b बाहर चला गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2 तो बाहर चला गया था, बी स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस यहाँ से 2b बाहर चला गया तो सी स्क्वायर अपॉन में 3। इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, डी एक्स रिस्पेक्ट में। या मैं क्या करूँ, इसे डी एक्स एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूँ। इज इक्वल टू 4bc, ये बाहर ही पढ़ा था, ये क्या बनता है एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन में 3, लिमिट माइनस ए टू ए तक है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसे लिमिट्स पुट करनी है, और मुझे यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू 4bc इंटू, पहले अपर लिमिट मतलब ए पुट करना है, तो ए क्यूब अपॉन में 3 प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन में 3 प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन में 3, ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मुझे माइनस ए पुट करना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस ए क्यूब अपॉन में 3 माइनस बी स्क्वायर ए अपॉन में 3 माइनस सी स्क्वायर ए अपॉन में 3। ब्रैकेट बंद, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस होगा तो ये सारे मेरे पास क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 4bc इंटू में 2a क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2b स्क्वायर ए अपॉन में 3, क्योंकि b स्क्वायर है और ये प्लस का b स्क्वायर है, मेरे पास क्या बनता है 2b स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में 3 था वो 3 आ गया, प्लस 2c स्क्वायर ए अपॉन में 3। अब यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2a कॉमन आ रहा है तो उसे मैं बाहर ले जाऊँगा, 2a कॉमन आ रहा है और 3b कॉमन आ रहा है 1/3, तो इसे मैं बाहर कर देता हूँ इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 8abc अपॉन में 3, तो अंदर क्या बचता है मेरे पास अंदर बचता है ए स्क्वायर, ये क्या बनता है बी स्क्वायर, और ये बचता है सी स्क्वायर, और ये मेरा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या बनता है 8abc अपॉन में 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे हम आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो मेरा यही आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। सबसे पहले हम इसे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद एक्स की, फिर वाई, फिर सॉरी सबसे पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to x ब्रैकेट शुरू इंटीग्रेशन 0 to x प्लस वाई, ये अंदर क्या है e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, किस रिस्पेक्ट में होगा, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, बार क्या बचा डी एक्स डी वाई। चलो z के रिस्पेक्ट में से करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to x ब्रैकेट शुरू, ये क्या e की पावर क्या होगी, e की पावर सेम रह जाएगी, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और z का जो डिफरेंशिएशन है उससे हमने क्या करना था, डिवाइड करना था, z का डिफरेंशिएशन किया वो मेरे पास क्या बना 1 ही बना, तो ये अपॉन में 1 बच गया, इन दोनों का तो 0 है, 0 + 0 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऊपर तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, नीचे उसका डिवाइड हम किससे करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से, तो z के रिस्पेक्ट में हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से x प्लस वाई तक थी, ये क्या बचा dx dy बचा। अब हम क्या करें, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to x अपर लिमिट, यहाँ पे मैंने जेड की जगह क्या करना पड़ना है, जेड की जगह मैंने क्या करना है एक्स प्लस वाई पुट करना है, ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई 2x प्लस 2y, तो 2 मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ई की पावर 2x प्लस वाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में मेरे पास क्या बचता है ई की पावर एक्स प्लस वाई बचता है, क्योंकि जेड तो क्या हो गया 0 हो गया, डी एक्स डी वाई। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया, अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे वाई की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a ब्रैकेट शुरू इंटीग्रेशन 0 to x अंदर मेरे पास क्या बचा, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल आसानी से हो जाए, तो 0 to x सबसे पहले इसके साथ लगेगा, उसके बाद 0 to x इसके साथ लगेगा, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई
डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या बचा डी वाई, तो हम करते हैं इसे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, ठीक है। सबसे पहले वाली इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बनती है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये बनता है ई की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में, इन दोनों का मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन लिखना होता है, डिफरेंशिएशन लिखा वाई का तो 0 हो गया, एक्स का बचा 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन में डिवाइड किससे हो गया 2 से हो गया, और इसकी लिमिट कहाँ से तक है 0 से लेकर एक्स तक है। माइनस इसे भी उसी तरीके से करना है, ए की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन में इसका क्या बनेगा 1 बनेगा 0 टू एक्स, और सारा इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में डी वाई के रिस्पेक्ट में। अब हम इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसे डी वाई नहीं बचेगा यहाँ पर डी एक्स होता है, सॉरी डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में तो हमने कर ही दिया तो ये डी एक्स बना। अब हम इसे आगे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू ए ई की पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और सारे की लिमिट्स मैंने, इसकी लिमिट अलग थी इसकी लिमिट अलग थी, पर लिमिट क्या थी सेम थी 0 टू एक्स, तो मैंने क्या किया पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इनकी लिमिट पुट करूंगा। लिमिट कहां से पुट करनी है 0 से लेके एक्स तक। सबसे पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट अपने चलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, ब्रेक शुरू, पहले हम क्या पुट करते हैं एक्स पुट करते हैं, वाई की जगह मैं वाई की जगह क्या रखना है एक्स रखना है, तो ई की पावर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, क्योंकि एक्स पुट करना है तो एक्स लिखा अपॉन में 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स, ये अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करते हैं मेरे पास क्या बनेगा ई की पावर 2 इसके 2 इंटू एक्स बचते हैं क्योंकि वाई तो मैंने 0 रख दिया अपॉन में 2 है, माइनस ई की पावर क्या बनेगा एक्स प्लस 0, तो ये बनता है एक्स, सारे किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसे थोड़ा सा हम खोल लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए ई की पावर, ये क्या बनता है 2x, तो ये बनता है 4x, ई की पावर 4x अपॉन में 2 माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर कितनी है यहाँ पे 2x, ई की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस ई की पावर क्या बनती है यहाँ पे x, ई की पावर x, और सारे किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में। इसे मैं क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये बनता है ए की पावर 4x अपॉन में 2 माइनस, अब ए की पावर 2x और ए की पावर 2x को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये क्या बनता है मेरे पास 3 ex 3 e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस e की पावर x ब्रैकेट बंद डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस 2 और माइनस 1 यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा माइनस 3 e की पावर 2x अपॉन में 2। अब हम क्या करते हैं इसे x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो क्या बना इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू ई की पावर 4x अपॉन में 2 तो पहले ही था, और ई की पावर 4x इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बनता है 4 इंटू में क्या गया यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 3 अपॉन में 2 तो पहले से था, ई की पावर 2x अपॉन में 2 इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, प्लस ई की पावर x अपॉन में क्या बचेगा 1 बचेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या था 1, इंटीग्रेशन कहाँ तक है 0 से लेकर a तक। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दूंगा और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे मैं क्या करता हूँ इसमें, इज इक्वल्स टू एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है a पुट करना है, तो e की सबसे पहले अपर लिमिट e की पावर 4a अपॉन में 8 माइनस 3 e की पावर 2a अपॉन में 4 प्लस e की पावर a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये कि मेरे पास क्या बनेगा e की पावर क्या बन जाएगा, तो हमारे पास e की पावर 0 4 इंटू एक्स, एक्स रखना था एक्स की जगह में क्या रखना है 0, तो e की पावर 0 कितना था 1, तो ये क्या बना 1 अपॉन में 8 माइनस ये क्या बनेगा ये बनता है 3 अपॉन में 4 क्योंकि e की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, और प्लस में क्या बना 1, ठीक है। अब उनसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब इसमें से क्या करता हूँ 1 अपॉन में 8 क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ बाहर ले चलता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8 इंटू में e की पावर 4a माइनस 6 e की पावर 2a प्लस 8 e की पावर a और लास्ट में क्या बचता है माइनस का 3, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे 1 अपॉन में 8 कॉमन लिया, ये 6 2 मैंने सारा वहीं से किया है, ठीक है। ये कोई वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू log 2 इंटीग्रेशन 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x प्लस log y e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy dz, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये पीछे वाले तरह सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे लिमिट्स क्या होगी चेंज होगी। सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में करते हैं इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू
लॉग टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, ब्रैकेट शुरू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई, सबसे पहले e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, डी जेड के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, बार क्या बचा डी एक्स डी वाई, ठीक है, इसे मैं जेड के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, ब्रैकेट शुरू e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, जेड के रिस्पेक्ट में किया तो x का जीरो, y का जीरो, जेड का क्या बना वन, तो अपॉन में क्या गया वन आ गया, नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं जो e की पावर होती है, लिमिट्स क्या है जीरो टू x प्लस log y डी एक्स डी वाई। अब आगे वाला स्टेप मेरा क्या है, इसके अंदर लिमिट्स पुट करना, लिमिट पुट कर देते हैं, अब हम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू log टू इंटीग्रेशन जीरो टू x, ब्रैकेट शुरू, अपर लिमिट मेरी क्या है x प्लस log y, z की जगह मैंने क्या रखना है x प्लस log y, ये क्या बनता है a की पावर 2x प्लस y प्लस log y, ये x था ये भी x था, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बना अपर लिमिट पुट करने पे माइनस e की पावर x प्लस y, क्योंकि यहाँ पे z क्या हो गया जीरो हो गया, ब्रैकेट बंद डी एक्स डी वाई। अब मुझे किसी रिस्पेक्ट में करना है, मुझे इसे y के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ, तो इसे आगे हम देखते हैं इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू, ब्रैकेट सबसे पहले हम कहते हैं इसे स्प्रेड करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन हो वो बिल्कुल सिंपल हो जाए, मैं करता हूँ इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ई की पावर टू एक्स प्लस वाई इंटू में ई की पावर लॉग वाई, ये मैंने क्या किया ई की पावर को स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो वो सेम ही बन जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब ई से क्या होगा लॉग खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सिर्फ वाई बचेगा, तो इसमें आगे क्या लिखता हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू, ब्रैकेट शुरू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, ये मेरे पास क्या बना ई से क्या होगा लॉग खत्म तो वाई बना वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ये बन गया माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और इस सारे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या बना डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ इसे मैंने वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये मेरे पास दो फंक्शन बन गए, इसे मैं किससे सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ इस फंक्शन को अलग सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये किससे सॉल्व होगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है ये बना वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन, ठीक है इसे हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व करते हैं, मेरे पास क्या बनेगा वाई इंटू में इंटीग्रेशन आगे शुरू करता हूँ मैं यहाँ से ताकि बड़ा लंबा जाएगा थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू वाई इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन डी डी वाई और वाई इंटू में इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स प्लस वाई डी वाई, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से फॉर्मूला लगाया, इसे आप आईलेट्स के नाम से भी जानते होंगे। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई, ठीक है इसका अपॉन में वन आएगा वो मैंने लिखा नहीं, माइनस वाई का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ वाई के रिस्पेक्ट में यह बनता है वन वन इंटू इसका मैंने क्या किया इंटीग्रेशन, तो ये क्या बना इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स प्लस वाई डी वाई, इसे मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा इज इक्वल्स टू वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ये मेरा सोल्व हो गया। आगे मैं क्या करता हूँ ई की पावर टू एक्स प्लस वाई को चलो इसे कॉमन नहीं लेते, इसी तरह से लिखेंगे मैं आगे से। तो मेरा जो यहाँ पे जो फंक्शन था ई की पावर टू एक्स प्लस वाई, इसका वाई के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना था इंटीग्रेशन करना था, वो इंटीग्रेशन करता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस वाई, इसे मैं ऊपर से लिख देता हूँ मैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम इसे आगे अब इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू, ब्रैकेट शुरू इसका मैंने वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, इसका मेरे पास क्या आंसर आया था वाई इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस वाई। अब बारी आती है इस फंक्शन की, को मैं क्या करता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो सेम ही रहेगा ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा वन आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेकर एक्स तक और यहाँ पे क्या बचा डी एक्स बचा। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें क्या करें हम सिंप्लीफाई क्या इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है मेरी एक्स है तो ये क्या बना एक्स इंटू ई की पावर थ्री एक्स टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स बना माइनस ई की पावर कितनी बनेगी थ्री एक्स बनेगी माइनस ई की पावर कितनी बनेगी टू एक्स बनेगी क्योंकि वाई की जगह क्या रख रहा हूँ एक्स रख रहा हूँ ये मेरा अपर लिमिट पुट होगी। माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है
वाई की जगह मैंने क्या रखना है, जीरो रखना है। वाई की जगह जीरो रखा तो पहली टर्म ही खत्म हो गई। यहाँ पे मैंने वाई की जगह जीरो रखा तो ये क्या बना, माइनस ई की पावर टू एक्स। माइनस यहाँ पे मैंने वाई की जगह जीरो रखा तो ये क्या बना, ई की पावर एक्स। ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। मेरे पास क्या लिमिट्स भी पुट होगी। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू एक्स इंटू ई की पावर थ्री एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स और ये क्या बना, प्लस में ई एक्स। सारे की इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या है, टू एक्स से माइनस ई की पावर टू एक्स से प्लस ई की पावर टू एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ई की पावर थ्री एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू एक्स इंटू ई की पावर थ्री एक्स माइनस ई की पावर थ्री एक्स प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ई की पावर थ्री एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू ई की पावर थ्री एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वन प्लस ई एक्स डी एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इतने इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसमें क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लेके चलूँगा मैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस वन इंटू में इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस वन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स। ये मैंने आईलेट्स वाला फॉर्मूला लगाया जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी जानते हैं। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ये सिर्फ वन बचेगा, वन माइनस जीरो ये क्या बचा वन, और ई की पावर थ्री एक्स इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बनता है, ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस थ्री को बाहर ले जाता हूँ, इस थ्री को मैंने कॉमन निकाला दिया कि यह बाहर क्या बन जाएगा, वन अपॉन में थ्री। तो आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू में ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री इंटू में ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री। इसका मैंने इंटीग्रेशन किया ई की पावर थ्री एक्स का, क्या बनेगा, ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री इंटू में क्या बना, एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन में थ्री। इससे मैं क्या लिखता हूँ, माइनस वन और माइनस वन अपॉन में थ्री को क्या लिखा जा सकता है, माइनस फोर अपॉन में थ्री। ये क्या बना, माइनस फोर अपॉन में थ्री, ठीक है। ये इसे मैं, ये किसका सोल्यूशन है, ये जो ये वाला फंक्शन था ई की पावर थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसे मैंने सॉल्व कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या बना, ई की पावर थ्री एक्स अपॉन में थ्री इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन में थ्री। तो इसे मैं आप डायरेक्ट ऊपर लिख दूंगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पे। तो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट शुरू, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व कर रहे हैं। e की पावर 3x इंटू एक्स माइनस वन का क्या आया था, e की पावर 3x अपॉन में 3 इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन में 3 प्लस e की पावर x का क्या इंटीग्रेशन होगा, e की पावर x अपॉन में 1 और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू लॉग टू। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें लिमिट्स पुट करनी है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब चलिए शुरू लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट लॉग टू पुट करनी है, तो e की पावर 3 लॉग टू एक्स जहाँ क्या गया, लॉग टू अपॉन में 3 इंटू में लॉग टू माइनस फोर अपॉन में थ्री प्लस ई की पावर लॉग टू, ठीक है। अपर लिमिट पुट होगी, माइनस लोअर लिमिट करनी है मैंने, माइनस यहाँ पे मैंने एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। जब मैंने एक्स की जगह जीरो रखा तो ये क्या बनता है, वन अपॉन में थ्री। ब्रैकेट शुरू, ये क्या बना, वन अपॉन में थ्री इंटू में मैंने एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो, जीरो माइनस फोर अपॉन में थ्री क्या बनेगा, माइनस फोर अपॉन में थ्री, ठीक है। प्लस ई की पावर जीरो क्या बनता है, वन बनेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थ्री लॉग टू को मैं क्या लिखता हूँ, जो ये वाला फंक्शन है थ्री लॉग टू, इसे मैं लिखता हूँ लॉग टू की पावर थ्री। जो आगे जो फंक्शन होता है ये इसके पावर में चला जाएगा, टू की पावर थ्री में। तो इसे मैं इसी तरह मैं आगे लिखने वाला हूँ, इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग टू की पावर थ्री, ठीक है। इंटू में क्या है, लॉग टू माइनस फोर अपॉन में थ्री प्लस ई की पावर लॉग टू, ई से लॉग कैंसिल हो जाए, ये बचेगा सिर्फ टू। यहाँ के यहाँ पे क्या बचा, ये बनता है माइनस फोर अपॉन में नाइन, ये बचा माइनस फोर अपॉन में नाइन, ठीक है। माइनस फोर अपॉन में नाइन प्लस वन, इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, नाइन फोर के फाइव, ये बनता है फाइव अपॉन में नाइन बन गया मेरे पास। ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, फाइव अपॉन में नाइन। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं,
ई से क्या होगा, लॉग कैंसिल हो, 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8। 8 को मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है 8। ई से लॉग कैंसिल हो गया तो 8 अपॉन में 3, लॉग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 अपॉन में 3 लॉग 2 माइनस ये इसे हम 8 8 8 4 32, 32 अपॉन में क्या बना, 3 इंटू 3 9, प्लस प्लस 2 माइनस 5 अपॉन में 9, ये कुछ इस तरह से बन गया मेरे पास। अब इससे आगे हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये किसके किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 3 लॉग 2, यहाँ पे 9 LCM ले लिया मैंने, -9, 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 -5, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं, क्या बनता है, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 3 लॉग 2 -19 अपॉन में 9। इसे मैं आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स।